नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। मंगलवार यानी आज 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। आज के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में हिंदी भाषा हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आखिरकार कितनी महत्ता बची है भारतवासियों के दिल में, भारतवासियों के मन में हिंदी भाषा के प्रति, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की भाषा का विकास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, लेकिन वर्तमान में आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या हिंदी भाषा को उतनी महत्ता दी जा रही है जितनी दी जानी चाहिए? क्या वाकई में आप अपने आसपास हिंदी भाषा की आन बान और शान को बढ़ते हुए महसूस कर पा रहे हैं? कारण, अंग्रेजी को हिंदी से ज़्यादा महत्व देना। मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और देशों से कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे लिए इंग्लिश पर हमारा कमांड होना ज़रूरी है, लेकिन हिंदी भाषा को दरकिनार करके किसी और भाषा को बढ़ावा देना कहाँ तक सही है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी को हमारे गांवों, कस्बों और भारत के अनेक अन्य जिलों में अलग अलग रूप दिया गया है। राजस्थान में हिंदी को राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट किया गया है, तो कहीं इसे भोजपुरी के माध्यम से बोला जाता है और अलग अलग कस्बों में हिंदी की अलग अलग भाषा का भी रूप देखने को हमें और सुनने को मिलता है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे हमारी आशा है, मिसरी से भी मीठी जो वो हमारी हिंदी भाषा है। जी हाँ, आप सबसे विनम्र निवेदन, हिंदी भाषा की महत्ता को अपने बीच बनाए रखें, हिंदी भाषा की गुणवत्ता को पहचानें और हिंदी को हमेशा अपने बीच जीवित रखें। नमस्कार।